10 साल बाद प्रखंड क्षेत्र के हरारी दुलारपुर के राजकीय नलकूप चालू होने से ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। अब ये नलकूप पानी तो दे रही है, लेकिन यह पानी बिना नाला के किसानों के खेत की प्यास कैसे बुझाएगी, इस विषय को लेकर किसान चिंतित हैं। नलकूप के चालू होने से बगल वाले किसान खुश हैं। वो कहते हैं, नलकूप चालू होने से बगल वाले किसानों की सिंचाई की किल्लत तो दूर हो गई है, किसान फसलों की सिंचाई का लाभ उठा रहे हैं। वहीं दूर दराज के किसानों में मायूसी छाई हुई है, नाला ध्वस्त होने से उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यह नलकूप वर्षों से खराब था, मोटर एवं स्टार्टर व ट्रांसफार्मर खराब होने से एक बूंद पानी नहीं निकल रहा था। समाज सेवी केसर कुमार ठाकुर ने विभाग को आवेदन दिया तो विभाग की नींद टूटी। इसके बाद अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। 10 साल से ठप नलकूप की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो ग्रामीणों को अजीब सा महसूस हुआ, मोटर व ट्रांसफार्मर बदल कर लगा दिए गए। किसान मदन ठाकुर बताते हैं कि काफी दिनों से नलकूप बंद पड़ा था, जिससे किसानों को डीजल पंप सेट का सहारा लेना पड़ता था। अब नलकूप चालू हो गया है, अब किसानों को सिंचाई में कठिनाई नहीं होगी। समाज सेवी केशव कुमार ठाकुर बताते हैं कि नलकूप वर्षों से बंद पड़ा था, गांव के किसानों ने नलकूप को ठीक होने की आस छोड़ दी थी। इस विषय पर कोई भी प्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे थे। मैं संबंधित विभाग को आवेदन देकर चालू कराने की मांग की थी। पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी बताते हैं कि नलकूप ठीक होते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नलकूप खराब होने से किसानों की स्थिति खराब हो गई थी। किसान सुजीत ठाकुर ने बताया कि नलकूप खराब होने से हम लोग निजी बोरिंग से खेतों की सिंचाई करते थे, जो काफी महंगा पड़ता था। अब नलकूप चालू हो गया है, अब हम लोगों को सिंचाई करने में सहायता मिलेगी।